वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही थी, 213 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 214। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचना कि आंसर क्या होगा। पेपर पेन लेकर बैठिए, माइंड में काउंट करिए, इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्रीलिम्स तो निकाल लोगे आप टिक मार कर, लेकिन इसकी मुख्य परीक्षा के लिए लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी लेखन शैली होगी उतने ही मार्क्स आपको मेंस के एग्ज़ाम में मिलेंगे। इसलिए पीडीएफ मांगने से अच्छा है कि इन एक्सप्लेनेशन जो मैं देता हूँ इनको लिखा कीजिए कम से कम, ताकि याद रहे आपको लंबे समय तक और प्रैक्टिस भी हो जाएगी रिटर्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन है। आज है 22 मार्च 2020 और सभी जो है जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे होंगे अच्छे से, रात के 9 बजे तक करना है। क्वेश्चन नंबर वन है, मरुद्यान रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहाँ बड़ी मात्रा में पशु पालन किया जाता है, और रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ जल स्तर पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं तथा ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, और रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट में आ जाता है ऐसे क्षेत्रों को मरुद्यान कहते हैं, या रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहाँ वजरी के मैदान एवं नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं उनको मरुद्यान कहते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन मरुद्यान को सही तरीके से परिभाषित करते हैं बताइए जरा। किसको कहा जाए मरुद्यान? देखिए मरुद्यान कहा जाता है रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं तथा ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। केवल दो यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब रेगिस्तान की रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं, ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं और लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब ये अलग केंद्र शासित प्रदेश है, ये अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख के पूर्व में कराकोरम पर्वत स्थित है तथा पश्चिम में जास्कर, देखिए गलत है, पूर्व में तो नहीं है, लद्दाख के उत्तर में कराकोरम है ना और दक्षिण में है जास्कर, नंगा पर्वत तो है नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख के उत्तर में मतलब नॉर्थ में है कराकोरम पर्वत और दक्षिण में है जास्कर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृद्ध हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, इसके उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं एवं दक्षिण में है जास्कर पर्वत। क्वेश्चन नंबर थ्री है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं? इम्पोर्टेंट है ये, लद्दाख क्षेत्र से होकर बहने वाली नदी एक तो इंडस है तो एक हो जाएगा, चिनाब नहीं बहती, झेलम भी नहीं है, शियोक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। तो देखिए लद्दाख से होकर कई नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु या तथा श्योक प्रमुख नदियां हैं, और श्योक सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं गार्ज का निर्माण करती हैं और लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं जैसे गेगरी हिमानी। क्वेश्चन नंबर फोर है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कथन और कारण, कथन कहता है भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, क्यों है, इसका कारण क्या है? लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है इसलिए, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो देखिए लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान मतलब शीत मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है और मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले सूर्यताप का अनुभव कराता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिएगा और बताइएगा कौन सा इसमें सही है। देखिए लद्दाख घाटी में बिलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं, मतलब शरपत के पेड़ और पॉपुलर के पेड़, यहाँ अधिकांश लोग हिंदू और बौद्ध हैं और लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं।
देखिए, लद्दाख क्षेत्र के जो बौद्ध मठ है अपने परंपरागत गोंपा के साथ स्थित हैं, ये करेक्ट है। और लद्दाख घाटी में सरपत और पॉपलर के उपवन देखे जा सकते हैं, पेड़ देखे जा सकते हैं। अब यहाँ हिंदू आबादी तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि देखिए ऊपर है पाकिस्तान, लेफ्ट की तरफ हो गया पाकिस्तान, पश्चिम की तरफ ऊपर अफगानिस्तान है, जम्मू कश्मीर में भी मुस्लिम आबादी है, तो लद्दाख में भी अधिकतर मुस्लिम ही होंगे ना, हिंदू तो होंगे नहीं यहाँ पर, तो दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर मुस्लिम और बौद्ध आबादी है, पहला करेक्ट है और डी करेक्ट, तीसरा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। हिंदू नहीं है, मुस्लिम और बौद्ध है यहाँ पर अधिकतर। तो देखिए, लद्दाख क्षेत्र में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत मतलब बिलो और पॉपलर के उपवन देखे जा सकते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत मतलब बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। लद्दाख के अधिकांश लोग मुस्लिम या बौद्ध हैं, हिंदू या बौद्ध नहीं। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोंपा के साथ स्थित हैं, और गोंपा तिब्बती शैली में बने एक प्रकार के बौद्ध मठ के भवन या भवनों को कहते हैं। भिक्षुओं की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारों और द्वारों से घिरे यह भवन साधना, पूजा, धार्मिक शिक्षा एवं भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेरी कहाँ पाया जाता है? प्रेरी कहाँ कहा जाता है बताइए, और या पाया जाता है इसको? तो दक्षिण अमेरिका में तो है नहीं है, ये तो 50 बार पूछा होगा इस प्रश्न को दूसरे एग्जाम में। तो नॉर्थ अमेरिका के हैं ये, और घास के मैदान हैं। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को या मैदानों को प्रेरी कहते हैं। ये समतल मंद ढालिया पहाड़ी वाले प्रदेश होते हैं, और जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। अब देखिए, जिन प्रदेशों में पादप जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है उसे कहते हैं घास स्थल। पृथ्वी की सतह का 1/4 भाग घास स्थल है, और जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। क्वेश्चन नंबर 6-7 है, इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तो इनमें से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध जो है वो प्रेरी घास के मैदानों से है? प्रेरी घास के मैदान अब कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में देख लीजिए कौन कौन सी नदी बहती है, मिसिसिपी नदी से हो गया, और सस्केचेवान नदी, ये कनाडा की हो गई, ये उत्तरी अमेरिका की हो गई, मतलब अमेरिका की हो गई। उत्तरी अमेरिका में तो आता है ना, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको मिलकर उत्तरी अमेरिका बनता है, तो ये अमेरिका की हो गई मिसिसिपी, और ये हो गई सस्केचेवान कनाडा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रेरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। अमेरिका के प्रेरी मैदान का अपवाहन मिसिसिपी तथा उसकी सहायक नदियां, जबकि कनाडा के प्रेरी मैदान का अपवाहन सस्केचेवान नदी तथा उसकी सहायक नदियां करती हैं। मैप तो देखे ही होगा ना आपने नॉर्थ अमेरिका का, तो नीचे मैक्सिको है, और यहाँ क्या है, यूएसए ए बीच वाला, ऊपर क्या, कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भाई, क्या कारण है इसका? प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है इसलिए। करेक्ट है पहला, क्या दूसरा करेक्ट है? धान्यागार का मतलब ऐसा तो नहीं है धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चावल का, देखिए गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है यहाँ पर, तो करेक्ट है दूसरा भी। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा भाई। तो देखिए, प्रेरी प्रदेश में वैज्ञानिक विधियों एवं आधुनिक उपकरणों के उपयोग से कृषि करने से उत्तरी अमेरिका विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादकों में से एक है, और गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हो गए, व्याख्या भी करने लगा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? घास स्थान दो प्रकार के, उष्ण कटिबंधी और शीतोष्ण कटिबंधी है, अलग अलग करने में पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल बताइए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को कहते हैं बेल्ड, क्या कहते हैं? बेल्ड कहते हैं। स्टेपी कहते हैं यूरेशिया में, स्टेपी कहते हैं यूरेशिया में, यूरोप और एशिया। और डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और कैंपोस कहते हैं ब्राज़ील में, याद रखिएगा। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थलों को कहते हैं बेल्ड,
और बेल्ट 600 से लेकर 1100 मीटर तक की ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। बेल्ट घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए, इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है, मतलब बेल्ट घास के मैदानों के पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है और जायरे एवं इसकी सहायक नदियाँ इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार दोहराया होगा कि कांगो या जायरे भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, लिम्पोपो किसको दो बार काटती है, मकर रेखा को। तो ये जो क्षेत्र है ना, अब बेल्ट कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है ना। तो जो बेल्ट घास के मैदान है, अब ये पूछ रहा है कि इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल है, यानी साउथ अफ्रीका के पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल। तो ये तो चलो करेक्ट हो गया पहला वाला है, क्योंकि उधर ये वाला क्षेत्र है ना, कौन सा, साउथ अफ्रीका, और ऊपर क्या है, नामीबिया बोत्सवाना वाला क्षेत्र। अब जायरे तो यहाँ से निकल ही सकती, निकल ही नहीं सकती, ये तो भूमध्य रेखा वाली नदी हो गई ना, वहीं उसको काटती है, तो लिम्पोपो होना चाहिए ना। तो यहाँ लिम्पोपो या ऑरेंज तथा लिम्पोपो जो है, जायरे एवं इसकी सहायक नदियाँ इस प्रवेश को सिंचित नहीं करती, यहाँ करती है लिम्पोपो और ऑरेंज नदी। तो दूसरा यहाँ पर गलत है, केवल एक सही है यहाँ पर। तो देखिए, केवल कथन एक सत्य है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट कहते हैं तथा इसके पश्चिम में कालाहारी डेजर्ट है। ऑरेंज एवं लिम्पोपो की सहायक नदियाँ इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। दूसरा गलत है, क्योंकि ये मकर रेखा वाला क्षेत्र है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ से इक्वेटर थोड़ी गुजरती है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आज घास के मैदान कंठस्थ हो जाएंगे लग रहा है कुछ। ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। प्रेरी घास के मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थल है और अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। किस प्रदेश का, प्रेरी घास के मैदानों का। अच्छा, यही फ़र्क है दूसरे एग्ज़ाम में और यूपीएससी सिविल सेवा थोड़ा टफ कर रहा है, स्टेट पीसीएस भी, वहाँ तो सीधे सीधे पूछ लेता ना दूसरे एग्ज़ाम में, रेलवे हो गया, एसएससी, बैंक वगैरह में, कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए तीन तीन स्टेटमेंट है कि अगर इसको करेक्ट कर ले जाओगे तो यहाँ फंस जाओगे, यहाँ इसको करेक्ट कर ले जाओगे तो यहाँ फंसा दूंगा, इसलिए डीप पढ़िए और खुश रहिए। तो प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में, ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। ग्रेट लेक कौन कौन सी हैं, पांच लेक मैंने आपको बताया था, इरी, एंटारियो, हिरन, सुपीरियर, मिशिगन। करेक्ट हो गया पहला, प्रेरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थल भी है, करेक्ट है ये वाला भी, और अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु भी है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न आता है तो लगभग 80-85% मतलब करेक्ट हो जाता है, नहीं घुमाता इसमें ज़्यादा एग्जामिनर। तो देखिए, उपरोक्त तीनों के तीनों जो कथन है वो करेक्ट हैं। प्रेरी घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरे हुए हैं। प्रेरी घास के मैदान अमेरिका के मूल निवासी, जिनको बोलते हैं रेड इंडियंस कहा जाता है, का निवास स्थान है। रेड इंडियन इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी हैं। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं। अब उन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इस एक्सप्लेनेशन से एक से दो प्रश्न बन सकते हैं, जैसे रेड इंडियंस कहाँ पाए जाते हैं, तो अमेरिका के मूल निवासी हैं ये, और प्रेरी घास के मैदान में ये इनका मूल निवास है, या ग्रेट लेक से प्रश्न उठ सकता है, कौन कौन सी ग्रेट लेक्स हैं, तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, अंटारियो। चलिए भाई, तो 11 प्रश्न इसमें ऐड किए गए थे इम्पोर्टेंट, ये देखा जाए तो ज्योग्राफी का ही हो गया पूरा टेस्ट। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।